हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का 2019 का एग्जाम दिया था, उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, कितनी कट ऑफ गई है, किस कैटेगरी के कितनी कट ऑफ गई है, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपकमिंग जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं या किसी और एग्जाम को भी आप टारगेट कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, आईआईटी, जेईई नीट, कोई सा भी एग्जाम हो गया, इस टाइम बेटा बेस्ट प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए आपका अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस का जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ध्यान रखिएगा, आपसे कोड पूछा जाएगा, PMYT आपको अप्लाई करना है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। PMYT आपका हर कैटेगरी पर अप्लाई होता है, जहां भी आपसे कोड पूछा जाए आपको PMYT ही अप्लाई करना है। अब हम देख लेते हैं क्या आपका रिजल्ट आया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन 2019, ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू कॉल कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग इन स्किल टेस्ट। अब जितने भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपका एग्जाम कब कंडक्ट कराया गया था? 22 दिसंबर 2020 से लेके 24 दिसंबर 2020 तक ये कंडक्ट कराया गया था ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्जाम हुआ था, इस वजह से जो आपके मार्क्स हैं उनको नॉर्मलाइजेशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 1 to 1.5 कैंडिडेट्स हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर अपियरिंग इन स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड 7792 कैंडिडेट्स हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर अपियरिंग इन द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। यानी कि ग्रेड सी की जो पोस्ट है उसके लिए 1 to 1.5 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है और ग्रेड डी के लिए 7792 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। कट ऑफ मार्क्स जो है वो डिसाइड किए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स कितने आए हैं। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी का आपका 138.69 मार्क्स है, एसटी के 130.94, ओबीसी के 152.42, ईडब्ल्यूएस के 149.83, यूआर कैटेगरी के 153.94 एंड बीएच के 70.99। ओवरऑल हम कैंडिडेट्स देखें तो 1 to 1.5 1215 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेड बी का, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, यहाँ पर एससी की आपकी गई है 120, एसटी की 96, ओबीसी की 133, ईडब्ल्यूएस की 122, यूआर कैटेगरी की 134 गई है, ईएसएम 40, OH 77, VH 63, अदर्स PWD 46। ये आपकी कट ऑफ हो गई कैटेगरी वाइज। ओवरऑल हम कैंडिडेट्स देखें कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं, यहाँ पर 7792 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है। ये आपकी कट ऑफ हो गई, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा हम देखें कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रखे गए हैं। यूआर कैटेगरी के लिए आपका 30% रखा गया है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं उनका 20%। अब आपके मार्क्स कब आएंगे, फाइनल आंसर फीस कब आएंगी, इसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू द आंसर कीज हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड एंड द आंसर कीज हैव बीन मॉडिफाइड वेर एवर नेसेसरी। द फाइनल आंसर कीज हैव बीन इशूड फॉर इवेल्युएशन। फाइनल आंसर कीज विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फ्रॉम 26 मार्च टू 25 अप्रैल। यानी कि 26 मार्च को आपकी फाइनल आंसर कीज जो है वो आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं, और 25 आपकी अप्रैल तक ये अवेलेबल रहेंगी, आप तब तक ये चेक कर सकते हैं। मार्क्स आपके कब आएंगे, मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 23rd of March। यानी कि 23rd of March को आपको पता चल जाएंगे आपके मार्क्स कितने हैं, आप चेक कर सकते हैं आपका क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है, सबके मार्क्स आपके यहाँ पर शो करे जाएंगे और 26 मार्च को आपकी फाइनल आंसर कीज भी शो कर दी जाएंगी। दिस फैसिलिटी विल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम 23rd मार्च टू 13th अप्रैल। यानी कि 23rd मार्च से लेकर 13th अप्रैल तक आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। कैंडिडेट्स में चेक देयर इंडिविजुअल मार्क्स बाय यूजिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर्ड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन रिजल्ट मार्क्स टैब ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। आप चेक कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और जो आपका पासवर्ड है वो डालना होगा, फिर वहां पर आपको जो स्क्रीन खुलेगी वहां पर रिजल्ट या फिर मार्क्स का टैब दिख जाएगा, उस पर जाके आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कट ऑफ आपकी क्या गई है। यूआर कैटेगरी की ग्रेड सी के लिए गई है 153.94
94 और ग्रेड डी के लिए यू आर कैटेगरी की 134.53। जितने भी बच्चों ने क्वालिफाई किया है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। जिनका सिलेक्शन होने से रह गया है, घबराने वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार जोर लगा दो। अब आगे से जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट देना है, बेस्ट शॉट देना है और सिलेक्शन लेना है आपको। हताश होके नहीं बैठना है, अच्छे से तैयारी करो। आपके लिए हम पूरा जोर लगा रहे हैं। आपको पता है कि आपके लिए एसएससी कॉम्बैट भी कराया जा रहा है, एवरी संडे कंडक्ट कराया जाता है 12 बजे। तो अगर आप आगे जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, उनको टारगेट कर रहे हो तो इसमें जरूर एनरोल कर लेना, ताकि आपको पता चले कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। ऑल इंडिया लाइव रैंकिंग आपको पता चलती है। जब इसमें आप एनरोल करोगे, आपसे एक कोड पूछा जाएगा, वहां पर आपको PMYT अप्लाई करना है। जैसे ही आप PMYT अप्लाई करोगे, आप इसमें एनरोल कर पाओगे और फिर आप टेस्ट दे सकते हो। इसको ध्यान रखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 100% फ्री है ये, साथ ही आपके लिए कई सारी बिल्कुल फ्री, 100% फ्री टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराई जा रही है। प्री सुपर फर्स्ट रिविजन मॉक्स फॉर SSC CHSL विद प्रतियोगिता मंत्रा। करंट अफेयर्स में देखो प्रॉब्लम आती है, उसके लिए अलग से टेस्ट सीरीज है। ये आपके CHSL के लिए रिविजन के लिए मॉक्स हैं आपके। ये आपके 4 मॉक्स हैं जो आपके कंडक्ट कराए जा रहे हैं, 100% फ्री है। इनका भी लिंक्स आपको मिल जाएगा। इसमें आपके साथ ही गिफ्ट्स भी हैं रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 के लिए। तो इसमें आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है, एनरोल करना है। उसके अलावा आपकी डेली करंट अफेयर्स स्कोर बूस्टर सीरीज है, ये भी आपका फुल मार्च में कंडक्ट कराई जा रही है। इसमें भी आपको जरूर एनरोल करना है, बहुत यूजफुल रहेगी आपके लिए ये। इसका एनालिसिस भी आपका कराया जाता है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये भी बिल्कुल 100% फ्री है। इसमें भी रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 होल्डर्स के लिए अलग से गिफ्ट्स रखे गए हैं, तो इनमें जरूर एनरोल करना है। बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या आप और भी तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, इस टाइम बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस। अच्छे से आप तैयारी करो, मल्टीपल बैचेस वहां पर आपके रहते हैं, आप देख सकते हो जिस बैच में चाहो उसमें एनरोल कर सकते हो। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ मिलेंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको केवल एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और अपना पूरा अच्छे से तैयारी उसी में आपको करनी है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सजेशन हमेशा रहेगा 24 मंथ्स का प्लान लो, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसमें मिलता है। PMYT कोड ध्यान रखना, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो तो PMYT अप्लाई कर देना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और ये आपका हर कैटेगरी पर वैलिड है, चाहे मैं SSC की बात करूँ, UPSC की बात करूँ, बैंक, रेलवे, CDS, UGC नेट, IIT JEE नीट, कोई सा भी कैटेगरी हो गई, हर एक पे आपका अप्लाई होता है। इसमें बेटा आपकी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, डाउट सेशंस, क्लास PDF, क्लास रिकॉर्डिंग्स, वीकली टेस्ट, सब कुछ इंक्लूडेड है। आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया। तो ध्यान रखना, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो PMYT जरूर अप्लाई करना, इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और हर कैटेगरी पर ही आपका वैलिड होता है।